थाना रामदास अधीन आउंदे कस्बा गग्गो महल विखे एक बच्चे वालों शरारत करते हुए फिल्टर साफ करने वाली हवा वाली मशीन 11 साल बच्चे के पखाने वाली जगह से हवा भरन नाल बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया। जानकारी अनुसार 11 साल बच्चा अनमोल एक वेल्डिंग की दुकान से काम सीखता सी, जिथे नेड़े दे एक टायरां दी दुकान ते बच्चे वालों अनमोल नाल शरारत करते हुए फिल्टर साफ करने वाली हवा वाली मशीन की नोजल नाल 11 साल बच्चे के पखाने वाली जगह से हवा भर दी, जिसके चलदे बच्चे के पेट में हवा भर गई तो हस्पताल विखे उसकी मौत हो गई। इस मौके मृतक के पिता और दादी ने दसिया कि उन्हों का बच्चा वेल्डिंग की दुकान से काम सीखने लिए जाता है, जिथे नेड़े दी टायरां वाली दुकान से बच्चे ने शैतानी करके अनमोल के पखाने वाली जगह पर फिल्टर साफ करने वाली नोजल नाल हवा भर दी, जिस दौरान बच्चे के पेट में हवा भर गई तो उसकी हस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने मांग की कि उन्होंने इंसाफ दवाया जाए। मेरा नाम गग्गो महल, मेरा पिंड है हंजी महाराज। मेरे बच्चे नाल महाराज दिने सवेरे स्वागत 8 बजे गया अनमोल प्रीत सिंह का नाम, उन्होंने दुकान पर लवाया है। मैं 5-6 महीने हो गए बिल्डिंग वाली दुकान पर लवाया ही। हाँ जी, लागे बिल्डिंग वाले दुकान के लागे टायरों वाली दुकान ही कोई मुंडे ने शैतानी की, बाहर वाले थान ला के नाली हवा भर दी, वो महाराज मौत हो गई। मेरे नाल बहुत ज़्यादा धक्का होया महाराज। मैं बच्चे उन्होंने आहरे नाल मैं जीना हाँ महाराज। हाँ जी, माँ उन्होंने छड़ के चले गई है, वो ही मेरे को आ गई दादी उन्होंने सामती महाराज। की नाम बच्चे? बच्चे का नाम अनमोल प्रीत सिंह महाराज। किन्ने चिर तो काम ते जांदा सी? काम तो 4 महीने हो गए जांदे ने। तो गल की हुई मुड़ के वे आंदे? गल ये हुई महाराज, दिने स्वागत दिने मेरे कोलों गया है। हाँ जी, उत्थे गया तो उत्थे जान के कारण ही बच्चे उन्होंने हाँ जी वाह भर दी ये पेड़ के आपे लै गए मुड़ के। हाँ जी, वापरा सराली जी नाली होंगी फिल्टर वाली जी। हाँ जी, वो न्योजल ला के हाँ जी वो वाह भर दी। हाँ जी, बच्चे के अंदरों नालियाँ जड़ियाँ पाट गई। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने दसिया मैं, उन्होंने आख्या बचा नहीं होना बच्चे का, बहुत मुश्किल बचा होगा। हाँ जी, मंग महाराज साड़ी कोई नहीं, बार मंग कह दी। हाँ जी, बच्चा चलेगा, बहुत ज्यादा धक्का महाराज। हाँ जी, हूँ तो महाराज उन्होंने आख्या भी परचा कर दो। हाँ जी, जिन्हें बहुत ज्यादा माड़ी घटना की है साढ़े न। अनमोल प्रीत सिंह ही मेरा पोतरा ही, 6वीं च पढ़ता है 7वीं च। तो की गल हुई? यो उत्थे गया दुकान ते उन्हां ही जांदे नूं कोई चारा कर दिता, पता नहीं की कर दिता। अगे भी रोज जांदा सी। किन्ने चिर तों जांदे सी दुकान ते? 4 महीने चले जांदे ने। केड़ी दुकान सी? वेल्डिंग वाली। वेल्डिंग वाली? हां जी, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨੇ। इस मौके जिस दुकान से अनमोल काम सीखता सी, उसके मालिक ने दसा कि अनमोल उसके कोल काम सीखता सी। जब वह दुकान से आया उसने अनमोल को पूछा तो उसने दसा कि नाल दी दुकान वाले मुंडे ने उसके हवा भर दी, जिसन तुरंत वह हस्पताल लेके गया। गल भाजी इतना ही, मैं भाजी सवेरे 8:30 बजे आया तो मुंडा साढ़े को काम करता ही अनमोल प्रीत का ना आया, तो तीन चार महीने हो गए साढ़े को काम करता रहा। तो सवेरे जो मैं सवेरे 8:30 बजे आया तो उदों मुंडा बैठा ही सामने, तो मैं उन्होंने पूछा भी हाँ भी अनमोल सफाई सफुई नहीं की, मांडा मुंडा नहीं फेरिया। तो मैंने उन्हें दसिया, मैंने उन्हें दसिया भी इन्हें मेरे ढिड की हवा भरती है मुंडे ने। वो मुंडा जरा नाल ही ना का नहीं भाई पता नहीं दुकान पर काम करता ही मुंडे ने। मुंडे ने इतना हवा भरती है उन्होंने, बाद चो अं जनाले लै गए, बाद चो उन्होंने दसिया भी साढ़े वसों बहर है काम। बाद चो फिर उन्होंने कहता अमृतसर लै गया गुरु रामदास होस्पिटल, उत्थे दाखिल कराया उन्होंने। फिर इतना इन्होंने खर्चा दसिया कि 40,000 रुपया लगना, ऑपरेशन करना पैना।
इस मौके पुलिस अधिकारियों ने दसा कि मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी इतने ना अनमोलप्रीत सिंह बच्चा 14 साल की उम्र सी ते ओ दुकान ते हैगा सी काम सिखदा सी ते ओदी ना लागे टायरां वाली दुकान सी ओदे एक होर बच्चा भी उत्थे काम करदा सी उहने जिहड़ा हैगा आ ओदी 16-17 उम्र सारिया ते सरवणप्रीत ओहदे नां आ उहने ना अपने इहदे ना हवा भर दित्ती ओहदे नां नाली दे नाल हवा भरन वाली ना पेट विच हवा भर दित्ती ते ओहदे नाल ओहनूं फिर उहनां ने दाखल कराया सी गुरु अपने रामदास हॉस्पिटल ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦਾਣੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿੱਤਰਕ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ 304 ਦਾ 304 ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਰਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੰਝਾਂ ਵਾਲੇ ਨੰਗਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਝਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਵਾਸ ਲਾਹੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਕੰਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।